खेसारी लाल यादव के साथ कर चुका भोजपुरी फिल्म एक्टर विनोद यादव हुआ गिरफ्तार, 600 जिंदगियों से किया खिलवाड़। जानेंगे पूरी जानकारी, तब तक आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के नाम पर छात्रों का भविष्य बर्बाद करने के आरोप में भोजपुरी अभिनेता विनोद यादव गिरफ्तार हो गए हैं। विनोद यादव के साथ काम करने वाले भोजपुरी कलाकारों में खेसारी लाल यादव, अंजना सिंह भी शामिल हैं। कई भोजपुरी गानों और फिल्मों में नजर आ चुके एक्टर विनोद यादव को ठगी और जालसाजी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले भी हिंदुस्तान अस्पताल के नाम पर फर्जी अस्पताल चलाकर गिरफ्तार हो चुके भोजपुरी अभिनेता एक बार फिर अपनी जालसाजी और काले कारनामों के चलते सुर्खियों में हैं। इस बार उन पर सैकड़ों छात्रों के भविष्य के साथ इस बार पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के नाम पर लगभग 600 छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का आरोप है। बिना सेमेस्टर के चल रही थी डिग्री। बरेली के इस इंस्टीट्यूट में किसी भी छात्र के किसी भी सेमेस्टर की कोई परीक्षा लिए बगैर ही अगली कक्षा में दाखिला दे दिया जाता था। कई छात्र जब परीक्षा कराने का दबाव बनाते तो उनसे कहा जाता कि आगे बहुत ही जल्द परीक्षा होगी, तब तक अगली कक्षा में पढ़ाई शुरू कर दो। और इसी तरह से मेडिकल शिक्षा के नाम पर यह गोरख धंधा चला आ रहा था। छापा पड़ा तो सामने आई हकीकत। गुरुवार को बरेली के पीलीभीत रोड में बन्नूवाल कॉलोनी में संचालित पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट पर इस मामले की जानकारी के बाद छापा मारा गया, जिसमें ये सारी सच्चाई सामने आई। पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापा मारकर इस मामले की जांच की। जब इस इंस्टीट्यूट के मान्यता संबंधित कागज मांगे गए तो वहां दिखाने के लिए कुछ नहीं था। ये लोग उसी फर्जी तरीके से छात्रों के रजिस्ट्रेशन किया करते थे व फर्जी तरीके से ही सर्टिफिकेट भी दिया करते थे। योगी आदित्यनाथ से की गई थी शिकायत। हाल ही में इस फर्जीवाड़े को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से मामले के गहन जांच कर दोषियों को पकड़ने के लिए सख्त निर्देश दिए गए थे। ऐसे में गुरुवार की दोपहर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस बल के साथ मिलकर फर्जी एमडी विनोद यादव को मौके से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले के बारे में अधिक जानकारी देते हुए पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि इस इंस्टीट्यूट में किसी भी कोर्स के लिए कोई तहफीस नहीं थी। दलाल लोगों को अपने जाल में फंसाकर लोगों को लाते थे व अपना कमीशन लेकर चंपत हो जाते थे। इस तरह से मासूम छात्रों से लाखों रुपए की ठगी की जा चुकी है। आपको याद दिला दें कि विनोद यादव पहले भी अपने आप को बच्चों का डॉक्टर बताकर हिंदुस्तान अस्पताल नाम से ठगी करते हुए पकड़ा जा चुका है। तब भी उस अस्पताल को पुलिस प्रशासन ने बंद कराया था। आपको बता दें कि भोजपुरी एक्टर विनोद यादव अंजना सिंह के साथ भोजपुरी फिल्म गुंडा में लीड किरदार में नजर आ चुका है। अब भी उसकी 3 फिल्में रिलीज के लिए तैयार हैं। विनोद यादव के साथ काम करने वाले भोजपुरी कलाकारों में खेसारी लाल यादव भी शामिल हैं। तो कैसा लगा वीडियो, आपको कमेंट जरूर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।